पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर सैफ अली खान, गोविंदा जी, इलियाना और कल्की का। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वो हो सर, आई एम सो सॉरी कि आपको कोई रिसीव करने नहीं आया हमारे घर से। आइए प्लीज। नो प्रॉब्लम। नो, क्या बात है, ये सीनियरिटी का फायदा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। क्या बात है, चारों तरफ गोपियां, बीच में गोविंदा। थैंक यू सर, वी आर सो सॉरी, कोई आपको रिसीव करने नहीं आ पाया एक्चुअली, पर हमारे घर की हालत ऐसी सर, मैं जब पैदा हुआ था मुझे रिसीव करने कोई नहीं गया था। अस्पताल के बिल के डर से ना मेरे माँ बाप छोड़ के भाग गए। एक्चुअली वैसे भी सारी फैमिली उधर बिजी थी, जहाँ पे आपने शायद खाना ऑर्डर किया था किसी ने, जूस और खाना ऑर्डर किया था शायद, और छीना झिप्टी में जूस तो मेरे मुंह में गिर गया। पर मैंने एक चीज रियलाइज की भाजी, पॉलिथीन के साथ भी जूस बुरा नहीं लगता, क्वाइट गुड एक्चुअली। एनीवेज, तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है, और मिस्टर सैफ अली खान जो है ये खुद प्रोड्यूसर भी है, तो इसीलिए इस बार हीरोइन को भी साथ लेके आए, नहीं तो अकेले आते हैं। करेक्ट सर, इलियाना और कल्की को जी साइन करने का आपके मन में कैसे आया, कि अच्छी एक्ट्रेस है, आपकी फिल्म की स्टोरी के साथ इनकी डिमांड थी, कि आपने ये सोचा कि दोनों बड़ी इंग्लिश बोलती है, मेरा भी टाइम पास होता है। यही सोचा था एक्चुअली। मैंने दोनों के साथ कभी पहले काम नहीं किया था, लेकिन फिर मैं कास्टिंग में इंटरफेयर या नहीं करता हूँ, प्रॉमिस। और जब मैंने इनका काम देखा, पहली बार सेट पे देखा था मैंने खुद, इनकी फिल्में भी एक्चुअली आई हैड नॉट सीन बिफोर, तो मैं जानता नहीं था कि कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं दोनों। कालकी जी ने तो कमाल कर दिया फिल्म में, इतना अच्छा रोल है, मैं तो इतना इम्प्रेस था, मुझे खुद जाके एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा, बिकॉज कालकी जी बोल रहे हैं वो हमारी आदत है, सॉरी हमारी आदत है। वो तो ऐसे, वो करीना जी को भी करीना जी बोलते हैं, करीना जी। लेकिन दोनों बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, कालकी जी फ्रेंच हैं, இல்ல நான் தமிழ்லயே தான் இருக்கேன் and tamil also ஆமா अच्छा ये क्या कहती, मुझे बड़ी कंफ्यूजन है, आप बेसिकली आप साउथ से बिलोंग करती हैं? मैं भी बहुत कंफ्यूज हूं, जब मुझे पता चलेगा ना आपको बताती हूं। नहीं, ये यूरोप का और तमिल का और ये फ्रेंच सब कुछ, मेरे दोनों पेरेंट्स एक्चुअली फ्रेंच है, लेकिन 40 साल में इंडिया में रह रहे हैं, और मैं पैदा हुई थी पांडिचेरी में, साउथ इंडिया में। ओके, तो स्किन वाइट है, दिल ब्राउन है, क्या कहूं। अरे वाह, एक्चुअली मेरी मम्मी वहीं बैठी है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ आपकी मम्मी जी? फ्रंट रो में बैठी हुई है। हेलो मम्मी जी, अभी वो बहुत हम भी देखना चाहते हैं कि गोरी गोरी लड़कियों की मम्मियाँ कैसे होती हैं, दिखाइए जरा। हाउ आर यू मैम? Good to see you. Thank you. Welcome to our show. Thank you. Your production is very good. I was not alone. Your production is very good. According to your mom's sense of humor, you should do more comedy films, I think. करना चाहिए, पर मिलता नहीं है सर, क्या करूं? अभी आपने शुरू कर दिया गोविंदा सर के साथ, सैफ सर के साथ काम? आपके घर में मतलब सालों से वेट कर रहे हो यहाँ आने के। अरे हम भी तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं, हम तो वेट ही करते रहते हैं, और हमसे होता ही कुछ नहीं ना। सैफ सर, एक और जनता के मन में भी सवाल था, मेरे मन में भी जी। आप प्रोड्यूसर हैं जी, तो दो हीरोइन आपकी फिल्म में है जी, आपकी खुद की बीवी हीरोइन है जी, आपने पैसे बचाने के लिए कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि एक 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 रोल के लिए करीना को कास्ट कर लूं? उनको तो उनका गेस्ट अपीयरेंस कराया ना, उनका पैसे दिए उनको? वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी फिल्म है मैं पेमेंट नहीं ले सकती हूँ, वो एक घड़ी है वहां पे वो दे देना, तो जब घड़ी का प्राइस देखा उससे बेटर तो पेमेंट ले लेती। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी फिल्में बनती हैं, अब तो अलग अलग चीजें बनने लगी हैं, लेकिन अगर आप 70s की फिल्में देखें सर, या आज से 20 साल पहले की कोई भी फिल्में पकड़ लें, बड़ी कुछ चीजें कॉमन होती थी सर फिल्मों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर वो क्यों होती थी, जब भी प्यार करने का कुछ सीन दिखाते तो दो फूल आपस में मिलते थे, और जब दो फूल आपस में मिले तो फिर इधर किलकारी आती थी, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ऐसे क्यों सर, ये क्या सिंबल हुआ? वो किलकारी नहीं होती थी, मतलब के मिले तो उनमें हो गया वो सब आइटम हो गया वो। अरे चलिए, ऐसे 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 ऐसे
है वैसे? पर बड़ी सारी चीजें ऐसी होती थी, आप मानते हैं ना सर? जैसे माँ है, एक तो माँ हमेशा बेचारी विधवा दिखाते थे हिंदी फिल्मों में, बच्चे पता नहीं राशन कार्ड से मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे पता नहीं, पर ये सब चीजें होती थी। अच्छा, माँ हमेशा सिलाई ही क्यों करती थी? और सिर्फ सिलाई करती थी, और वो क्यों करती थी, कोई और काम क्यों नहीं करती थी? अरे यार, एक वो डायलॉग होता था ना एक, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि 3-4 साल पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, अब नेक्स्ट फिल्म में जो डायलॉग मिले वो ये ना मिले, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, आखिर तुम्हारे साथ तो कौन था, इतनी रात को ऐसे लड़कियों का घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वो तो चले गए अभी ना, क्योंकि अभी माँ पूछ ही नहीं सकती लड़की को इतनी रात कौन छोड़ने आया था, क्योंकि माँ उल्टा लड़के को पकड़ ली थी, कल तो मेरे को छोड़ने आया था, जिसको छोड़ के आ रहा है, थोड़ा माहौल बदल चुका है। सर, हमने पेपर में ये पढ़ा कि पूरी कास्ट जो है वो बड़ी एक्साइटेड थी गोविंदा सर के साथ काम करने के लिए, सो आप लोगों ने इनका काम बड़ी बारीकी से देखा है। इनकी कुछ फिल्मों के मैं नाम लेता हूँ सैफ सर, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूल्हे राजा, इंग्लिश में आपको इसका टाइटल देना है, साथ में डिस्क्रिप्शन देना है। कैन यू कॉल अ मैन किंग हु इज मैरिड? मेबी नॉट, और इंग्लिश टाइटल वुड बी पुअर गाय। एग्जैक्टली, पुअर गाय। शोला और शबनम, फायरबॉल्स ऑफ ड्यू। फायरबॉल्स, शोले। हेलो हेलो हेलो, माई सेल्फ लच्छा सबसे अच्छा, हाउ आर यू? हेलो, क्या एक बात बता, एक बात बता, ये गोरी गोरी लड़कियों को क्यों लेके आया अपने साथ? ए, दिस आर सपोर्ट सिस्टम, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। That is just a jokes from Lachha. आप इस पे ध्यान दीजिए, ये देखिए। अच्छा, बसों में पेन बेचने लगा तू? शर्मा जी, आपके मिनिमम माइंड में मैक्सिमम सोच कभी आ ही नहीं सकती ना। हाल करते हैं आप, अगर इंसान ने पेन रखी है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इंसान ने पेन रखी है, व्हाट इज ही डूइंग? He has become a writer. Oh. Yeah, I'm a writer. अरे अंगूठा छाप तू कैसे बन गया राइटर में? शर्मा जी, हमने अपना अंगूठा आप पे कब छापा जो आप हमें अंगूठा छाप कह रहे हैं? Let me tell you, सैफ अली खान जी, गोविंदा जी, हम बहुत बड़े, आप सबके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम भी डिसाइड कर लिया आपसे इंस्पायर लेके कि हम भी राइटर बनेंगे। तो ये देखिए, आपका सेम गेटअप भी लिया हमने, अच्छा है ना सैफ जी? अच्छा है ना? आज की जी, अच्छा है ना? आज की नहीं बे, कल की। कल की इज पास्ट टेंस, ये आज हमारे शो में आई है, तो आज ये क्या हुई? आज की। मुझे ऐसा लगता है सर, इसने गोरी लड़कियां इसलिए रखी कि मुंह चलो ठीक नहीं है, तो बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, आई थिंक। शर्मा जी, यहाँ पर आते ही एक बात हम आपसे कहना चाह रहे थे, आते ही कहना चाह रहे थे, हम भूल गए क्या? अरे याद आया, सेटअप। हमारी बहुत इज्जत करती है, हम आपको दिखाएं? लीजिए, आपको दिखाते हैं, डिस्प्ले देखिए आप। बेबीज हग। इधर आइए आप, इधर आइए। ये क्या कर रही हैं आप? Who give money? You who give money? I. तो इधर हगिए। देखा आपने? देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी तारीफ की पुल बांधती रहती है ये हमेशा। हम आपको दिखाएं? ओके, बेबीज, नाउ यू डू तारीफ ऑफ मी, कम ऑन, डू तारीफ। यू आर सो हॉट। हमसे कह रहे हैं कि हम बहुत हॉट हैं। अब दूसरी वाली भी हमारी तारीफ करेगी, आप भी, कम ऑन बेबीज, डू तारीफ। यू आर सो हॉट। थैंक यू बेबीज, थैंक यू। देखा आपने? अब तेरे को सर्द गर्म हुआ क्या? एक तरह को हॉट बोल रही है, एक तरह को कूल बोल रही है, और ये पर्ची को दिखा रहा उनको, लिखे भी दे रहे हैं उनको। शर्मा जी, राइटर कौन है यहाँ पर? ये पर्ची अपनी जेब में रख तू, पर्ची अपनी जेब में रख, पर्ची नहीं दिखाना उनको, तो रख दी जेब में। Now say something about him. Where's our money? Time's up. You owe us.